वन एक्स की रेंज टेस्ट पूरी रियल, देखते हैं कितनी बैटरी है। लाओ इधर कैमरा लाओ। बैटरी है अभी इसमें 53 और ये मतलब नॉर्मल दिखा रहा है 53 किलोमीटर चलने का, लेकिन अभी ये और चलेगी इको मोड में, क्योंकि ये नॉर्मल मोड में ना अभी, इसीलिए तो अभी रेंज दिखा रहा है इको मोड में, मतलब इको मोड में 53% बैटरी है और 66 किलोमीटर चलेगी। चलिए चलो ये देखते हैं कितने किलोमीटर ये आज चलेगी। ये हमारी तरफ का जो है मतलब हमारी तरफ ये मूसा बाग का नज़ारा है और यहाँ पे जो है पार्क बनना बहुत अच्छा है। अभी समय मिलेगा तभी आपकी पूरी तरह से बैटरी ना ख़त्म हो। तो अभी जा रहे हैं एक फ्रेंड कॉल लेने, ये हमारे साथ सालिम है, और अभी एक और फ्रेंड को लेंगे जाके बैठाएंगे, तीन लोगों के साथ रेंज टेस्ट करेंगे कितनी रेंज चल रही है कितनी रेंज नहीं चलेगी है। और जैसे कि इसको जो है हाइपर मोड में चलाओ, मतलब कि फुल स्पीड में स्पीड मोड में, तो ये अच्छी खासी स्पीड चली जाती है 95 मतलब 85 की स्पीड पर चली जाती है एक तरफ से। और बीच में ये लोग जो है भैया बिन हॉर्न बजाए चले जाते हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं है तो ये बिन हॉर्न के ही चले जाते हैं। देखो कोई हॉर्न नहीं बजाए, इसका तो हॉर्न ख़राबी हो चुका जब से मैंने लिया है, तब से इसका हॉर्न ख़राबी है। और ये देखो अभी भी नहीं चल रहा, दो बार इसको सर्विस करवा चुके हैं लेकिन चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है। दूसरे तीसरे दिन में इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है इसके हॉर्न में, क्योंकि हॉर्न इसका बहुत ही बेकार है। इस गाड़ी में सबसे बेकार कमी यही है कि हॉर्न इसका सबसे दिक्कत कर रहा है, बाकी तो सब बढ़िया है एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हॉर्न में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ये हमारा हरिनगर है, लखनऊ में हरिनगर पड़ता है, ये हरिनगर है। देखो भाई ने इस गाड़ी को लड़ा दिया, इसका वो तोड़ दिया सामने जो खड़ा था। आगे आप थोड़ा करिए, इधर निकल जाएंगे, आगे करिए बस। ये मार कौन को अरे गाली ना दे, जिगाए नहीं पहले पड़े। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें 33% बैटरी है और 42% चलेगी किलोमीटर चलेगा। और जैसे कि हमारी तरफ ये देखिए पार्क बनाया गया है, योगी जी ने बनाया है और बहुत ही अच्छा पार्क है यहाँ पर। जैसे कि हमारी आवाज़ भी थोड़ी बैठ गई क्योंकि हमने बहुत तगड़ी मेहनत की थी और इसमें टैप लेंस वाली वीडियो बन गई, तो पूरी मेहनत बेकार हो गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तो 41 किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी, तो जब तक पूरी बैटरी ख़त्म नहीं होती तब तक हम चलाते रहेंगे इसको। और जो है सामने देखिए अटल बिहारी पार्क बन रहा है, बहुत ही अच्छा योगी जी ने समर्थन में मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमारे बाला जो है बहुत ही सुंदर बना दिया है, इसका नाम उससे जो है समाप्त। अकबर नगर वाले भी आगे रह रहे हैं, जो अकबर नगर से वहाँ से घर तोड़े गए हैं वो सामने बिल्डिंग है, वो अच्छा सामने बिल्डिंग है उधर, उस तरफ बिल्डिंग है वो तो। और बाकी जो है वो नॉर्मल लोग रह रहे हैं जो कॉलोनी बुक करके रहे हैं, और जैसे अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं। और ये हमारी जो रोड गई है ये हमारी ये चौक मेटल वाले तरफ गई है, और जो पीछे तरफ गई है वो गई है सीतापुर और हरदोई तरफ निकल गई है, आप जिधर मनो उधर जा सकते हैं बेहतरीन। और ये लल्लन टॉप बहुत सुंदर, और देखिए कुछ लोग रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इनको मरने वरने का डर नहीं है, अब अमर हैं ये कतई, इनको जो है अपनी ज़िंदगी का प्रेम नहीं है। अब इधर से कोई स्पीड से गाड़ी लेके आए और इनको राउंड के चला जाए तो इनको किसी चीज़ का डर नहीं, क्योंकि ये अमर है। और इनको जो है अमर तो यही है, और बाकी जो है इनके घर वाले भी इनको कुछ नहीं कहते कि भैया रॉन्ग साइड पर, पहली बात इनको पता ही नहीं घर वालों को, और कुछ ऐसे ही गाड़ी बीच में लगा देते हैं पीछे से आदमी ठोक के चलाया, उनको क्या पता कि गाड़ी हर रही, यही तो मैं रात हो तो आदमी को ठोक के चला। देखिए यहाँ पर लोग खड़ी करके आ रहे, नीचे आराम से मछली मार रहे होंगे, बेहतरीन नज़ारा देख रहे होंगे, या कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके नीचे बैठा होगा। और ये देखिए बेहतरीन पार्क की तरफ का, हमारे बालागंज को एक लल्लन टॉप बना दिया गया है, और ये गोमती नदी है हमारी तरफ की, इधर पूरी गोमती नदी फैली है, और हमारे बालागंज को बहुत ही अच्छा बना दिया। आने वाला समय जो है गोमती नगर जैसा रहेगा यहाँ पे, यहाँ भी लोग घूमने आएंगे, अभी भी घूमने आते हैं तो उस समय कुछ ज़्यादा आएंगे। और सामने एक देख रहे होंगे कि मूसा बाग बना है सामने, मतलब खंडहर पड़ा है एक, धीरे बोलना तालीम तुम यार समझे, तो वहाँ भी है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है, दिन पे दिन जो है यहाँ तरक्की की जा रही है,
और यहाँ देखना ज़मीन यहाँ भी जो है आसमान छूमेगी, और यहाँ 32% बैटरी है और 40 किलोमीटर अभी चलेगा, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं चलाते चलाते चलाते, बैटरी ख़त्म नहीं हो रही है इसकी। और ये 3 किलोवाट वाली है, 3 किलोवाट की स्कूटी है, और ये 125 का इस पर देते हैं कि 125 ये चलेगी, और हमारे हिसाब से 120 तो आराम से निकाल देती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और शायद ये मतलब उससे ज़्यादा तो निकाल नहीं सकती क्योंकि उतनी रेंज दे रहा है। और इको और जो है जब नॉर्मल मोड में ये दिखा रहा 33 किलोमीटर ये चलेगा, हाँ उधर ना देखिए इधर देखिए, 33 किलोमीटर ये चलेगा, और स्पोर्ट मोड में 31 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मुझे जो दिखा रहा मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, मीटर सही बता रहा है, और हमने चला के भी देखा मीटर के हिसाब से ही चलाया, तो मीटर की हमको लग रहा है मीटर बिल्कुल एग्जैक्ट बताता कि इतने किलोमीटर चलेगी, तो सही बताता ये। और इसमें एक फंक्शन है, ये देखिए इसको दबा देंगे तो आप अपने हिसाब से चलता रहेगा, अपने हाथ वाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने चलते रहेंगे और बिल्कुल जो है लल्लन टाप चलती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें हॉर्न की एक दिक्कत है बहुत ज़्यादा, ये हॉर्न जो है कभी कभार बजता है कभी कभार बजता नहीं है, और 3 बार सर्विसिंग पे डाल चुके हैं इसको हॉर्न को, लेकिन हॉर्न का कोई भी इलाज सही से कर नहीं पा रहा है, सही कर देते हैं उसके बाद फिर वैसे ही चलने लगता, फिर सही कर देते हैं वैसे फिर चलने लगता। ये तो कुछ नहीं है, हमारे सर ने यही लिया था 4 किलो वाट वाली, 4 किलो वाट वाली, ये सब भी घर तोड़े जाएंगे क्योंकि जो है ये देखिए इसमें बनाया नहीं जाना है, उनको वो भी जानने की ये तोड़े जाएंगे, इसमें एक बार नोटिस आ चुकी है, लेकिन पता नहीं अभी योगी जी इधर नज़र नहीं डाल रहे हैं, जिस दिन डाल दिए तो उतनी सन्नाटा हो जाएगा इधर, और इधर से मेट्रो निकलेगी जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ नहीं पहुँचेगी, वहाँ पहुँचेगी पूरी तरह से मेट्रो वहाँ पहुँच जाएगी, इधर नहीं पहुँचेगी इस तरह से निकलेगी। और फिर जो है आप मूसा बाग हमारा जो है एक जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्टेशन रहेगा हमारा मूसा बाग, हाँ क्योंकि लोग देख रहे थे लेकिन हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि चलो ठीक है, हमको जो है रेंज टेस्ट करना है, किसी और की रेंज नहीं बतानी है, तो छोड़िए उसकी बात ही खत्म करते हैं। और कुछ लोग अपनी स्पीड में भी नानी और बुआ को चलाते हुए चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। और ये फिर हम इधर ही से मोड़ लेंगे बैटरी ख़त्म करने के चक्कर में, जल्दी से बैटरी ख़त्म नहीं ख़त्म होगी तो जितना है उतना टोटल जोड़ के बता दिया जाएगा क्योंकि थक गए हैं हम लोग। और चलो पानी पी लेते हैं इधर, और क्योंकि गला सूख रहा है भाई, एक बोतल या 10 वाली बोतल ला है पानी की। हाँ हो गए हैं 1 महीना चलिए भैया 32% बैटरी है, 31% बैटरी है और 40 किलोमीटर अभी भी बता रहा भैया चलेगी, चलते हैं फिर इसी तरह राउंड मार के नीचे उतर के निकल लेंगे, और जितना चलिए उतना कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कितना चलिए, क्योंकि ज़्यादा बैटरी ख़त्म करेंगे तो भैया घर भी नहीं पहुँच पाएंगे इससे तो, और रास्ते में धक्का मारना, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धक्का मारने बड़ी दिक्कत है आपकी, जैसे बैटरी ख़त्म हो जाती है जब धक्का मारेंगे तो इसका मोटर बहुत ही ज़्यादा जाम जाम चलता है, हमने तो धक्का नहीं मारा कभी तक, लेकिन एक हमारे भैया थे उन्होंने लिया था तो उन्होंने धक्का बहुत मारा इसमें, तो इसलिए जो है धक्का नहीं मारना, सीधे घर की तरफ निकल लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है घर बगल में है, अभी आपको दिखाएंगे जहाँ चार्जिंग लगाते हैं और उसी हिसाब से अभी आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कितना चल रही कितना नहीं चल रही है, तो वीडियो बने रहिए और चलते रहते हैं। और जो लखनऊ में रहते हैं तो वो ये एरिया तो जानते होंगे कहाँ पर है, ये मूसा बाग की तरफ का एरिया है, और चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको कितने किलोमीटर ये चलेगी। अभी ये हमारे घर की तरफ रास्ता है, ये यहाँ से आप उतर सकते हैं, और इधर से जो है ये कॉलोनी भी है इधर पड़ती है, अकबर नगर वाली कॉलोनी इधर ही है, और अभी चलते हैं इधर से मोड़ के अपने घर की तरफ, और थोड़ी देर चलाएँगे इसको, अभी तो 29% बैटरी है तो इसको 20% तक लेके जाएंगे, और 20% लेने जाने के बाद जो है इसको चार्जिंग लगाएंगे, उसके चार्जिंग का समय भी बहुत लेता है, ऐसा नहीं है इसको लगभग 6 घंटा चाहिए चार्जिंग का समय, और जब तक 6 घंटा आप चार्जिंग नहीं लगाएंगे तब तक ये चार्ज नहीं होगी, और आधी अधूरी भी लेके जाएंगे तो जैसे कि आप रिपेडो चलाते हैं या कुरियर वाला काम करते हैं तो इसको फुल ही चार्ज करके लेके जाइए, क्योंकि जो है कभी भी ये धोखा दे सकती, और इसमें सबसे बड़ी बात है अब चलिए बहुत देर से हम लोग ने उस वैसे चलाए, अब हम स्पोर्ट मोड में चलाएंगे पूरी तरह से, और स्पोर्ट मोड में 28 किलोमीटर दिखा रहा है 29% चार्जिंग पे, तो और इसकी जो है स्पीड भी अच्छी खासी है। अच्छा ओला लेना किसको चाहिए ये हम आपको बता दें, ओला जो है मतलब जिसको स्पीड चाहिए
और जिसको मेंटेनेंस में थोड़ा मतलब जो है उसके पास सेकेंडली बाइक है, ये पहली नहीं सेकेंड वाली, मतलब जो है कि एक ऑलरेडी उसके पास पेट्रोल की बाइक है और जैसे कि ये ख़राब हो जाती है उसको खड़ा करके आप जो है मतलब इसको खड़ा करके उसको चला सकते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, वरना जो है आप जो है बहुत ज़्यादा इसके कंपटीशन वाले भी आते हैं एथर उथर, उतनी स्पीड नहीं देंगे उतनी रेंज नहीं देंगे लेकिन जो है बढ़िया है उसकी सर्विसिंग भी अच्छी है, इससे तो अच्छी सर्विस का है क्योंकि कहते नहीं ओला बहुत ज़्यादा निकल गई है तो अब उनका कुछ एटीट्यूड है या ओला वाले पहली बात तो कस्टमर केयर वाले बात भी नहीं करते क्योंकि हम एक महीने के अंदर 7 बार तो सर्विस सेंटर जा चुके हैं इसका, मेरा तो 3 दिन बाद दो ही चार्जर ख़राब हो गया था, जैसे हॉर्न ख़राब हो गया है हॉर्न के लिए अपॉइंटमेंट बुक करो बहुत झंझट इसमें, और अच्छा अदर स्कूटी और अदर उसमें जो है इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, आप आराम से चला सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आपको। यही रहा ये रहा अकबर नगर, तो सामने है अकबर नगर, ये है अकबर नगर पूरा तरह से, ऐसा नहीं कैमरा लगाने से रिएक्शन भी अच्छे आते हैं, देखते अच्छे से है। बहुत लोग पूछते हैं भाई क्या करते हो कैसे करते हो, पैसा जरूर नहीं मिल रहा अभी यूट्यूब पे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये है अकबर नगर पूरी तरह से ये मतलब फैला हुआ है यहाँ पे, ये कॉलोनी मतलब बर्बाद कर दिया अकबर नगर वालों ने क्योंकि अभी बनी तो है नहीं, ये भैया अकबर नगर है ना, अकबर नगर वाले लोग हैं ना, जैसे हमने पूछा भी भैया ये अकबर नगर है, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से, ये पूरा अकबर नगर है, यहाँ लोग भी अच्छी तरह देखते हैं, ऐसा नहीं देखिए अपने गुरु जी की फ़ोटो लगी है यहाँ पे और ये हमारे पार्षद हैं पंकज पटेल जिनकी यहाँ फोटो लगी है, और इसमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत हॉर्न की क्योंकि जैसे कि अचानक कोई आता है तो हॉर्न नहीं बजा पाओगे इसमें, और 3-4 बार जो है हॉर्न को हम दिखा भी चुके हैं लेकिन सही नहीं हो रहा, बार बार जो है बार बार ख़राब हो जाता है यहाँ पे, और ये रहा पूरी तरह से अकबर नगर, चलो गली के अंदर चलेंगे हैं, इधर रोड रोड है तो चलो भैया रोड से निकलते हैं, यहाँ व्यवस्था भी सारी है, ये देखो यहाँ चाय वाय की और प्याज अपने इसका प्याज बहुत महंगा चल रहा, भैया खाने वाला नहीं है, ये ब्लॉग है 50-49 अच्छे लोग रहते हैं, थोड़े बहुत अच्छे लोग थोड़े बहुत तो वैसे ही बेहतरीन वैसे एरिया है यहाँ पे, लेने वाला था अकबर नगर वाले ना आए ना रहते तो यहाँ रूम मतलब यहाँ पे जो है बुक करने वाला था, इधर निकल चले जागर्स की तरफ से हो गए ना, तो अभी 27% बैटरी है और स्पोर्ट मोड में 26 किलोमीटर दिखा रहा चलेंगे अभी, जब तक चल रही तब तक इसको चलाया जाए, उसके बाद जो है फिर भैया चार्जिंग लगाना है इसको जाके, अरे भैया ए ए ए ए ए यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ भैया लोग रास्ते में पतंग वतंग उड़ाते रहते हैं और लोग देखते भी बहुत घूर घूर के हैं, जैसे आप देख रहे हैं बन रही है ऐसे ही लोगों को रहने के लिए दे दिया गया, अभी बन ही रही है ये, ज़्यादातर विकसित नहीं हुई है मतलब कॉलोनी और अभी विकसित हो ही रही है धीरे धीरे से, और तब इनको जो है मतलब वहाँ घर तोड़ दिया गया तो इनको जल्दी रहने के लिए दे दिया गया कि भैया रहो आगे अपना, इनको भी परेशानी ना हो और जो है जनता को भी परेशानी ना हो, योगी जी को भी हमारे परेशानी ना हो, इसलिए रूम दे दिया गया सबको इधर, और अभी एक पूरी वीडियो हमने इधर की बनाई थी लेकिन टाइमलैप्स में लग के जो है वीडियो बनी ना तो उसमें ना आवाज़ आई हमारी ना कुछ आया, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अब क्या खेल रहे हैं ये तो आप ही लोग बताइए, भूरे भूरे बाल वाले साले, रोड अभी इधर की बन ही रही है अभी अच्छी तरह से बनी नहीं है, और ये हमारा जो है दुबक्के आ चुके हैं, ये हमारे लखनऊ में दुबक्का है और यहाँ मंडी भी है दुबक्का की, और अब जो है 26% बैटरी है 26 किलोमीटर चले क्योंकि बैटरी ख़त्म नहीं हो रही थी इको मोड में और हम लोगों का बहुत समय भी हो गया था क्योंकि चार्जिंग लगाएंगे हमको ऑफिस भी इसी से जाना रहता है रात को, तो अभी फुल हो जाएगी तो ऑफिस भी निकल जाएंगे, और हम जो है द्वितीय जलकर नगर निगम में जॉब करते हैं घूमते नगर चिनाट में, जिसको मिलना है तो आप भी सकते हो रात को मतलब भाई 6 बजे के बाद जो है वहाँ पे हम बैठते हैं और दिन भर यहाँ रहते हैं और रात को
वहाँ रहते दिन भर ऐसे ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करते रहते हैं, रात को ऑफिस जाते हैं, क्योंकि भैया अभी तो ब्लॉगिंग से कुछ आ नहीं रहा है पैसा वैसा। तो वैसे ब्लॉगिंग हम लोग मिनी ब्लॉग बनाते थे, आज पहली बार ये ब्लॉग पोस्ट करेंगे अपनी इसी तरह से। पहले हम लोग मिनी ब्लॉग चलाते थे और उसमें अच्छे खासे व्यूज भी आ जाते हैं। अभी ये देखते हैं कि इसमें कितने व्यूज आते हैं, कितने क्या आता है, अभी इसका क्लियर नहीं है कितना भैया चलेगा। अभी एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा कि भाई एक जो है रेंज टैक्स की मतलब रेंज की वीडियो बना के दिखाओ, तो हमने कहा चलो ठीक है एक रेंज की वीडियो बना के दिखाएंगे आप लोगों को। और ये थोड़ा बोलने में अटक रहे हैं, उसकी वजह है क्योंकि पहली बार हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं लॉन्ग वाली। पहले तो मिनी वाले में क्या रहता है कि जैसे कि बोल रहे हो, बोलने के बाद जो है जैसे गलत हो जाए तो फिर रिकॉर्ड करके बोल सकते हो, छोटी छोटी कट करके वीडियो बना लो, उसके बाद आराम से बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं रहती। और इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट बोलना रहता है, तुरंत बोलना रहता है, तो थोड़ा बहुत अटक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। और ये हमारा आगे जागस पार्क की तरफ, अभी देखिए दिखाते हैं पूरी जागस पार्क। अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि उसका चार्ज है और हमारे लोगों का इतना समय भी नहीं कि जो अंदर जाके पूरी वीडियो बना के दिखाएं आपको। वैसे जो है बढ़िया है जागत पार्क, यहाँ भी आ सकते हैं, हमारे दुबग्गे में स्थित है, ये सामने है पूरी तरह से। और ये जो है PSC बटालियन है, यहाँ मतलब PSC वाले रहते हैं। और इधर भी गोमती नगर जैसा ही, यहाँ भी रेट है बहुत ही महंगा है। देखिए यहाँ पे लोग जो है अपनी आंखें सेक रहे हैं, यहाँ देखिए कहीं ना कहीं प्रेमी जोड़ा बैठा होगा और उसको देख देख के आंखें सेक रहे हैं। अच्छा यहाँ जितने लोग आते हैं सब देखिए कैसे देख रहे हैं, ये देखिए चचा देखिए कैसे देख रहे थे उधर, और मतलब जितने लोग आते हैं उधर ही देखते रहते। ये देखिए सामने आ रहे हैं, सामने भी उधर ही देखते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ जितने लोग आते हैं सब प्रेमी जोड़ा को देखने आते हैं, क्योंकि प्रेमी जोड़ा इधर जो है बैठे रहते हैं और बैठे रहने के बाद जो है सब उधर ही ताड़ के देख। और ऐसा नहीं कि देखिए ये देखिए चचा खड़े हैं अपने जो आदमी को सेट करे ले रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं, वहाँ लोग किसिंग हो रही है संगे। अच्छा यहाँ धीरे चलने का एक रीज़न भी है क्योंकि लोग इधर ज़्यादा देखते हैं, सीधे कम देखते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ प्रेमी जोड़ा को ज़्यादा ही देखा जाता है, थोड़ा ध्यान से देखा जाता है। ये हमारे सालिम पीछे बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा प्रेमी जोड़ा इधर बैठा होगा, देखिए देख रहे हैं आप लोग कैसे देख रहे हैं, ये सब गाड़ी रोक रोक के पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये ऑफिस है, अबे ऑफिस है उसका तो पता है समझे। और यहाँ हम लोगों का बचपन भी गया यहाँ बैठे। ये देखिए सामने देखिए प्रेमी जोड़ा बैठा है, आपको दिख रहा हो तो बहुत ज़्यादा प्रेमी जोड़ा इसके अंदर आते हैं। और आप भी लेके आ सकते हैं अपने प्रेमी और प्रेमिका को, बहुत ही अच्छा है। और एकांत है, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे लोग हैं, बहुत ही शांति पूर्व है। और जो है सिक्योरिटी के साथ में यहाँ गार्ड भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं है, वरना यहाँ लोग बैठे ना। और थोड़े यहाँ के लोग हैं लौंडे हैं, थोड़ा सा परेशान करने के अनुसार किसी को चले जाते हैं, लेकिन बाकी जो है यहाँ सिक्योरिटी अच्छी, क्योंकि यहाँ प्रॉपर लोग जो है यहाँ दबंगी थोड़ा रखते हैं। एक साथ तीन मतलब एक तीन तीन लड़के एक लड़कियाँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो है यहाँ सब बेहतरीन। देखिए और इधर चलते हैं, आगे तो मोड़ लेंगे चल के, अभी आगे देखिएगा यहाँ बहुत ही सारा लोग आदमी देख रहा होगा इधर की तरफ। और जैसे आगे चलते चलते चले आ रहे हैं, इधर देखिएगा इधर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर ज़्यादा कुछ होता है सिस्टम, बैठने वाला बहुत अच्छा है ना, जंगल टाइप का है इधर, तो आदमी बैठता अच्छी तरह से यहाँ पे। और चलिए चलते हैं, आप देखिए 23% बैटरी है, 24 किलोमीटर चलेगा ये स्पोर्ट मोड में। और अभी नॉर्मल मोड में 25 किलोमीटर दिख रहा है, इको मोड में 28 किलोमीटर दिख रहा है। अच्छा इसमें एक और दिक्कत है कि इसमें जब जो है बैटरी कम होती रहेगी तो ये रियल रेंज दिखाता रहेगा, जितना रियल रेंज है इसका दिखाता रहेगा, मतलब बैटरी के हिसाब से भी ये फिर चलेगा, वरना जैसे 100% रहता तो 125% दिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब 23% है तो 28% दिख रहा है, और स्पोर्ट मोड में देखिए मतलब नॉर्मल मोड में 23% है तो 25% दिख रहा है, और स्पोर्ट मोड में 23/23 दिख रहा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमको भी तो घर ही जाना है, यहाँ से 23 किलोमीटर मेरा घर है भी नहीं, 23 किलोमीटर मतलब है यहाँ से चिनहट, मतलब हमारे घर से चिनहट तक ये चली जाएगी आराम से।
वैसे बेसिक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से चला सकते हैं, बस हॉर्न की दिक्कत है और तो बेसिक चार्जर मेरा ख़राब हो गया था, तो कस्टमर की सर्विस, कस्टमर केयर की सर्विस अच्छी नहीं थी। कॉलिंग अच्छा, कॉल पे भी वो आपकी कंप्लेंट सुन लेंगे लेकिन रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो खाली डाल देंगे पेंडिंग पे और ना। तो अच्छा, एक हमने और इसमें दिक्कत देखी है कि जैसे कि जब आपको ओला चेक करनी है, जैसे लेना ना हो तो चेक करनी हो वेबसाइट पे, तो ओला वाले आपको कॉल करेंगे, सर आप कब विजिट करेंगे, कब क्या करेंगे, कब लेंगे सर, चलो कोई बात नहीं, चलो उनका ये काम है। लेकिन जब कंप्लेन हम दर्ज करते हैं तब फिर ये क्यों नहीं करते भाई? कंप्लेन करने के बाद एक बार पूछना चाहिए ना, सर आपकी कंप्लेन जो आपने इरेज की है, मतलब आपने जो कंप्लेन डाली है तो उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी कुछ हुआ है कि नहीं सर, तो फिर आगे कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, तो इनको कॉल करो तो कॉल करने में भैया बड़ी दिक्कत, थक जाओगे आप कॉल करते करते, मतलब जो है आदमी पर समय ना हो और सोचे कि कॉल लगा लें उनको, तो कॉल नहीं लग पाएगी। कम से कम आधा घंटा आपका वेस्ट करना ही करना है कॉलिंग पे, वो जब जान जाएंगे कस्टमर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब कॉल पिक करेंगे, वरना नहीं पिक करेंगे। ये इनके अंदर दिक्कत है। और बाकी जो है बात ये है कि उम्मीद से ज़्यादा इनकी गाड़ियाँ बिक गई हैं, तो कुछ चीज़ कुछ बात का उस चीज़ का एटीट्यूड है कि भाई मेरी गाड़ियाँ बिकी रही हैं, और प्लस जो है ये जो है स्पीड अच्छी देते हैं इसलिए आदमी गाड़ी खरीदता है, बल्कि आदमी चलता 60 की स्पीड में इससे, लेकिन स्पीड अच्छी देता आदमी। अच्छा, इंडिया में चाहिए क्या किसी को स्पीड? और स्पीड तो चाहिए चाहिए, और प्लस जो है सस्ते में हो, और जिस रेंज में ये दे रहा उस रेंज में कोई गाड़ी अभी तक दे ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना भाई? अब जैसे कि ये हमने 3 करोड़ 97 हज़ार की मिली और किस्तों पे ये 1,17 की पड़ी, 1,17,000 की। तो भाई जिस रेंज में ये दे रहे हैं, और इनका फाइनेंस भी सिस्टम अच्छा है भाई, 10,000 रुपये दे के स्कूटी ला सकते हो, और बाकी तो अदर वाले में तो ऐसा है कि आप जो है भैया 30% 40% आपको जमा करना है, यहाँ 10,000 रुपये दे आदमी जोड़ा और तुरंत ही जाके ले आया, तो 3 साल की 5 साल की आप किस्त बनवा लेते हैं, आराम चलाते रहते हैं, बैटरी गारंटी 3 साल दिए दिए हैं इसकी। और इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये दिए हैं कि 80,000 किलोमीटर, अरे 8 साल दे रहे हो तो 80,000 किलोमीटर क्यों दे रहे हो भाई? सीधी सी बात, 80,000 किलोमीटर दोगे, जैसे कि आदमी रिपेडो चला रहा है इससे, तो उसका तो एक ही 2 ही साल में उसका पूरा हो जाएगी बैटरी गारंटी ख़त्म भाई। जोमेटो कर रहा है वो उससे भाई, सोच रहा है कि पैसा मेरा पेट्रोल में ना खर्चा हो और बैटरी से चलती रहे, समझ रहे हैं? तो 80,000 किलोमीटर तो 2 ही साल में पूरा होगा, उसके बाद उसकी गाड़ी की बैटरी की गारंटी ख़त्म, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम तो कह रहे हैं कि मतलब एक ओकिनावा की है, हाँ ओकिनावा की है, 2 साल की फुल गारंटी दे रहा है, तो उसमें लेकिन स्पीड कम है, 55 की स्पीड है। और इससे अच्छा जो है एक आ रही है हीरो, हीरो की ऑप्टिमा, वो भी गाड़ी बढ़िया है, उसमें जितने साल जितने दिन की भी गारंटी दे रहे हैं, फुल बैटरी की दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जितना चलाएं, लेकिन स्पीड की दिक्कत हो तुम्हें। और उसकी कुछ ड्रम ब्रेक भी सही नहीं लगती, क्योंकि ड्रम ब्रेक के साथ आती है वो। अच्छा, इसमें ड्रम ब्रेक है लेकिन दो बिल्कुल चिपक के लगती, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर चलती है। देखिए, और ये हमारे कालू दादा, आप जब भी देखिएगा तो भैया कुत्तों को जो है बिस्कुट उस्कुट डाल दिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे जानवर हैं हमारे, तो एक बार काट चुका है पैर में, लेकिन कोई बात नहीं, जानवर से हमें मोहब्बत है। और बेहतरीन चल रही, देखिए 22 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है, चलेगी ये। और अब हम चार्जिंग लगा देंगे, क्योंकि बहुत समय हो, 1 घंटे तो ऊपर हो गया चलाते चलाते, और मोबाइल की मोबाइल के स्टोरेज भी मेरा फुल हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब घर पहुँच के आपको चार्जिंग वार्जिंग देखते हैं कैसे लगता है, कैसे क्या है सिस्टम, तो चार्जिंग लगा के बताते हैं। अब जो है इसमें 21% बैटरी है और 22 किलोमीटर दिखा रहा है, और नॉर्मल मोड में 23 किलोमीटर दिखा रहा है, और ऐसे 21 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये नज़र मार रही है हमारी तरफ, कोई दिक्कत नहीं नज़र मारने को इनको, और हम लोग सीधे अब निकलते हैं घर। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अभी ठीक है, बस हॉर्न को छोड़ के, पता नहीं हॉर्न किस चीज़ का लगा दिया गया, तो चलता ही नहीं, चाहे जितना बजा लूँ। चलो कोई बात नहीं, हम अब चार्जिंग लगा के आपको दिखाते हैं कितना कैसे कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। और थोड़ा हमें जल्दी करना था, इसीलिए मैंने स्पोर्ट मोड में भी थोड़ी देर चलाया, और लोग इधर उधर घुमा रहे हैं और हम आप लोगों को बात बता रहे हैं, कोई बात नहीं, सबकी ज़िंदगी अपनी अपनी काट रहे हैं। चलिए पहुँचते हैं घर और चार्जिंग लगाते हैं इसको, मतलब घर पे चार्जिंग नहीं लगाते हैं इसको, इसको हम लगाते हैं किसी और जगह चार्जिंग में, आप भी देखिएगा। और
कहीं आपको ऐसा जुगाड़ मिले तो चार्जिंग लगाइए। और इसमें एक अच्छी सुविधा और है, आप सोच रहे हैं बात बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, इसमें एक अच्छी सुविधा और है कि आप कोई भी ओला शोरूम जाके फ्री जो है चार्जिंग लगा सकते हैं। कहीं भी ओला शोरूम जाके आप इसको चार्जिंग लगा सकते हैं फ्री, ऑफकोर्स एक रुपया चार्ज नहीं, क्योंकि ये ओला वालों ने भैया ने बताया था कि आप फ्री लगा सकते हैं। आप चलिए यहाँ से निकलते हैं और जो है घर पहुँच के आपको बताते हैं। अरे भोसले रुको मादर चोर, अरे कैमरा नहीं दुकाना पकड़े यार, इसको वीडियो रोको साले का। तो भैया चार्जिंग लगाने के लिए हम लोग पहुँच आए हैं, अब हम लोग जो है यहाँ चार्जिंग लगा देंगे चल के। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको चार्जिंग लगा के। तो भैया ये आ गया दीदी का हमारे घर, और ये हम लोग खोल दो भैया, खोल दो दर्जा, खोल दो हाँ दीदी। अब आज चार्जिंग लगा दे, आज ऑफिस जाना है ना आज, तो आज लगा दे वरना बैठी तो इमा रहते है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हम लोग चार्जिंग लगाते भैया। जैकी महाराज आओ, जैकी भागो। हाँ ये भैया जैकी हमारे, ये कुचू कुचू हैं, कुचू 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 हैं। चलो जैकी हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ चार्जिंग लगाने दे। हाँ हाँ ये भैया चार्जर, चार्जर है इसको जो है, एक सेकंड आज जो है टुक टुक जो है का नाम है अभिषेक कहीं, वो जो उनका लौंडा का नाम है, अरे का नाम उनका है श्रीवास्तव के अमा भैया सब तोड़ता डाली। हाँ जंजी वो काना रस्सी वस्सी तोड़ के काटे चला गया। हाँ खतरनाक खार खाए साला। अबे भाई भाई है ना, ऐसे भैया चार्जिंग लगा दो इसमें, चार्जिंग लग गई। एक सेकंड मैं थोड़ा तार दिक्कत कर रहा है क्या, फिर वास्तव नंबर हमें पास नहीं दीदी, हमारे पास नंबर नहीं। ये चल गया भैया, चार्जिंग लग गई, 19% चार्जिंग है। तो हम लोगों ने चला ली है ओला का पूरा रेंज टेस्ट कर लिया है, अभी आपको बताते हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर की तरफ, और घर जाने के बाद हम लोग बताएंगे पूरी तरह से कि कितने किलोमीटर पहुँची है और कितने किलोमीटर की रेंज दे रही है। चलिए मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अब बारी आती है रिजल्ट की। अब रिजल्ट सुनने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लो। मेरा नाम तो जानते हैं प्रिंस वाजपेयी, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके जल्दी से आग लगा दी बेल आइकन को दबाकर। तो अब बारी आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट ये था, मैंने 52% बैटरी पे, 52% जब बैटरी थी तो मैंने गाड़ी चलाना चालू किया, चलाने के बाद उसमें 66 का एवरेज दे रहा था, 66 अभी चलेगी। फिर जो है जब मैं गाड़ी खड़ी करने गया तो उसमें 19% बैटरी थी, तो वो दिखा रहा 25 किलोमीटर अभी चलेगा, तो मैंने 66 से 25 को माइनस कर दिया। फिर जो है अब जो है बात ये है कि जब 100 हो जाती तो 60 किलोमीटर और चलती, ठीक है ना। तो 66, 25 और ये क्या नाम है 60 मिला के जो टोटल एवरेज आता है वो 126 का। मैंने एक पहले बता दिया था 126 देती ही है, मैंने चलाया है इको मोड में, और 3 किलोवाट वाली जो स्कूटी है ओला X1X वो चलती है 126 किलोमीटर 3 किलोवाट वाली। और मैंने आज रेंज टेस्ट भी कर लिया जितना कर पाए, क्योंकि इतना समय था नहीं हमारे पास, लेकिन एक्चुअल ये भी बात ना मानिएगा तो हम लिखित दे सकते 120 किलोमीटर चलती ही है। आप चाहे जिसमें चाहे जो कर लीजिए, लेकिन 120 किलोमीटर आंखी बंद करके चलेगी।
बात ये देखो, जीरो को ही करता नहीं बैटरी को, जीरो करोगे तो बैटरी में दिक्कत आने लगती है, तो जीरो मत करिएगा, 20% पे चार्जिंग आप लगा दीजिएगा, क्योंकि चार्जिंग लगाएंगे तभी आगे वो चलेगी। तो 20% वैसे भी अधिकतर हमको लग रहा है 99% लोग जो है जब 50 से नीचे होता है तो बैटरी चार्जिंग लगा ही देते हैं जाके। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी आपको चलानी है तो जल्दी से चार्जिंग लगा दिया करिए। और यही रही वीडियो में, आप भी देख लीजिए पूरा हमने जोड़ा सही सही, टोटल करेक्ट है। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए।